योगी सरकार में बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थीं, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद कहें या पुलिस की लचर व्यवस्था, लेकिन जनपद में महिलाओं के प्रति अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही मामला थाना नखासा के कस्बा सिरसी का देर रात्रि में सामने आया है। यहाँ पर एक किशोरी को पड़ोसी युवक ने अपने घर में खींचकर पहले दुष्कर्म किया, फिर किशोरी द्वारा चीखने पर किशोरी के ऊपर केरोसिन डालकर आग के हवाले कर दिया गया और वहाँ से फरार हो गया। किशोरी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ पर किशोरी की मां और मोहल्ले के लोगों ने किसी तरह आग को बुझाया और घायल अवस्था में किशोरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलने पर थाना पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए, लेकिन हालत ज़्यादा गंभीर होने के कारण किशोरी को दिल्ली हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहाँ किशोरी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। मामला सर, क्या मामला है? कल नखासा थाना क्षेत्र के सिरसी चौकी क्षेत्र में एक मामला प्रकाश में आया, जिसमें ये आरोप लगाया गया कि एक युवती के साथ गलत काम करके उस पर मिट्टी के तेल डाल के जला दिया गया। युवती के परिजन की सूचना पे इस पे मुकदमा पंजीकृत हुआ। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया? आरोपी गिरफ्तार है 376, 307, इसके अलावा अन्य जो भी एक्ट वगैरह हैं सब लगे हैं इसमें, और आरोपी गिरफ्तार है, बाकी आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, मेडिकल में कितने परसेंट युवती की जलने की बात सामने आई है? एबव 70% का डॉक्टर बता रहे थे। तो लड़की जो है हायर सेंटर पे रेफर है इलाज के लिए, आगे कार्रवाई की जा रही है, इसमें आरोपी गिरफ्तार है।